हेलो नमस्कार, मैं श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव कैंपस चैनल से, पटना से। और आज का जो मुद्दा है वह है बेरोजगारी। जो बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उसी चीज़ पे आज हम आपसे बातचीत करने आए हैं। कल मैंने एक बैच को छुट्टी दिया, अभी तो फेस्टिवल का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इसी में कल दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी हुई मेरे कोचिंग से, तो छुट्टी मैंने दिया। और उसके बाद जैसे मैंने ऑफिस में बैठा था, एक स्टूडेंट आकर हमसे मिला, बहुत पुराना था, सन 2014-15 में हमसे पढ़ा हुआ था। वो आके मिला, बोला सर कैसे हैं? तो हम बोले हम तो ठीक हैं, आप क्या कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में हैं? तो वह बोला कि सर डिपार्टमेंट क्या, मैं तो पटना में ही हूँ। तो काफ़ी दुख होता है अगर जिस स्टूडेंट को पढ़ा दें, जो स्टूडेंट 7 साल 8 साल पहले पढ़ा हो और आज भी बेरोजगार हो, तो काफ़ी दुख होता है। तो पूछे इतना सारा वैकेंसी आपका हुआ नहीं? बोला नहीं नहीं सर, हुआ है ना, बिहार SSC में हुआ है, NTPC में है, और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हो ही जाएगा। तो हम कहे इतना दिन से तैयारी करता है, इतनी वैकेंसी आई, इसमें हुआ नहीं, और फिर आशा में कि होगा? बोला नहीं नहीं सर, हो जाएगा, कि SSC बिहार SSC का एग्जाम दिए तो उसमें रिजल्ट हुआ है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो साहब आप ही बताइए, जो स्टूडेंट 2014 में फॉर्म भरा हो और 2021 में उसकी नौकरी नहीं हो, और उसी आशा में हो कि सन 2021 में नौकरी होगा, 2022 में होगा, तो इस पे गहन चिंता करनी चाहिए सरकार को कि जो भी पटना में स्टूडेंट है, कोई बड़े घराने का बेटा नहीं होता है, सबके सब किसान घराने का बेटा होते हैं, उनके गार्जियन धान चावल आटा गेहूं बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पटना भेजते हैं, और पटना में रहना एक स्टूडेंट के लिए मिनिमम 5,000 रुपया लगता है साहब रहने में। और मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ बिताया हूँ, और यहाँ के जो रूम होता है 5x6 का रूम होता है, उसी में स्टूडेंट अपना जिंदगी गुजारा करता है, उसी में खाना बनाएगा, खाएगा, पिएगा, रहता है। कम से कम इस बात का ख्याल आदमी को रखना चाहिए। और 2 साल तो कोरोना ले गया, और जो ये कोरोना ले गया या है या क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिनका 2 साल ये चला गया उनका एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा। आज जो किसान घराने का बेटा है, प्रत्येक माह 5,000 रुपया लगाता है रहने में, कितना पैसा है किसान को, कितना पैसा है, और क्या रेट है धान चावल का आपको भी पता है। तो यहाँ पे सरकार को गहन चिंता करनी चाहिए। रही बात बेरोजगारी की, अगर बेरोजगारी देखनी है तो कभी मुसल्लापुर हाट के गलियों में आइए, महेंद्रू की गलियों में, और पटना के बाजार समिति की गलियों में आइए, पता चलेगा बेरोजगारी क्या है। इतने ही इसी लोकेशन में 5 से 6 लाख स्टूडेंट रहते हैं, और काफ़ी कष्ट में रहते हैं, इसी आशा में कि आने वाला समय में मेरा नौकरी हो जाएगा और मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। दिन रात एक करके पढ़ते हैं, दिन रात एक, नहीं पता चलता उनको कि सुबह कब होता है, शाम कब होता है। तो बेरोजगारी कैसे हटेगा, इस पे चिंता सरकार को करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है सरकार के पास वित्त नहीं हो तो जो लंबित वैकेंसी है उसको क्लियर कीजिए, जैसे बिहार SSC है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, NTPC की वैकेंसी है, उसको आप क्लियर कीजिए, जितनी भी लंबित वैकेंसी है, और जो भी आपकी रणनीति आगे कितना वैकेंसी आएगा। और हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि जरूरी नहीं कि एक साल यहाँ 5,000 वैकेंसी दो, 5 लाख वैकेंसी दीजिए, आप कैलेंडर बना दीजिए कि इस वर्ष प्रत्येक वर्ष में इतनी वैकेंसी आएगी, इतने व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, तो उसी एवरेज में स्टूडेंट अपना तैयारी करेगा कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करेंगे, वो रणनीति बनाएगा। तो इसके बाद डेट फिक्स होनी चाहिए एग्जाम का, प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आए, वैकेंसी कम ही हो लेकिन प्रत्येक वर्ष वैकेंसी दे, और डेट क्लियर करे कि फलना डेट को एग्जाम होगा, फलना डेट को रिजल्ट आएगा, और इतने तारीख को ज्वाइनिंग होगी। इससे होगा क्या है, स्टूडेंट के साथ एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे, और मिलजुल के तैयारी करेंगे, और काफ़ी जोश खरोश के साथ तैयारी करेंगे। और पटना के जो भी स्टूडेंट हैं या कहीं के भी स्टूडेंट अगर हमें सुन रहे हैं, तो वह इसी आशा में रहते हैं कि हम मेहनत करें, मेरी नौकरी मिलेगी। नहीं पता दिन रात क्या होता है, उनको नहीं पता है साहब। इसलिए मेरा केंद्र सरकार बिहार सरकार से गुजारिश है
कि जितनी भी लंबित वैकेंसी है उसको क्लियर कीजिए और आने वाला समय में प्रत्येक वर्ष वैकेंसी दिया जाए। लाखों वैकेंसी नहीं लेकिन हजारों वैकेंसी तो दिया जा सकता है, इस पे विचार कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी से हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि स्टूडेंट जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का कोशिश किया जाए और आने वाला जो समय हो, जो स्टूडेंट अपना समय इन्वेस्ट करते हैं सरकारी नौकरी में, वह अन्य काम को भी कर लें। इसलिए आज का मेरा जो वीडियो था इसी बेरोजगारी पे था। और जितने भी स्टूडेंट, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, सभी से गुजारिश है कि आप मेहनत कीजिए। किसी भी फील्ड में मेहनत किया हुआ बेकार नहीं जाता है, आप मेहनत करो, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। कहा भी गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए प्रत्येक दिन पूरे एनर्जेटिक के साथ नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज को बढ़ाइए। जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो आप किसी का मोहताज नहीं होंगे, और टैलेंटेड व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं होता है। फिर इसी चैनल पे मैं इसके श्रीवास्तव नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा आपको श्रीवास्तव कैंपस चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।